हाय गाइस, मैं कल्पना माहेश्वरी अपने चैनल माहेश्वरी रसोई में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सर्दियों का मौसम हो या गर्मियों का मौसम हो, आजकल सभी को कभी घुटनों के दर्द की, कभी आंखों के दर्द की और कभी सर के दर्द की, कमर के दर्द की प्रॉब्लम चलती ही रहती है। अगर इसका सॉल्यूशन एक टेस्टी से लड्डू हो तो मजा आ जाए। इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये दर्द की एक बहुत ही अच्छी सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। मैं जिस तरीके से ये लड्डू बनाऊंगी उसमें वो सारी चीजें होंगी जो आपको दर्द से निजात दिलाएंगी। सर्दियों के मौसम में अगर दर्द से निजात मिल जाए तो जिंदगी थोड़ी सी आसान हो जाती है। उम्मीद है लड्डू की रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी। इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड फ्रेंड में शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए मेहमान है चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए, उससे फायदा ये होगा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। आज मैं आप लोगों के साथ सर्दियों के लिए एकदम परफेक्ट लड्डू की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो टेस्टी होने के साथ साथ काफी हेल्दी भी होंगे। इसलिए हम उसमें चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ना बुरा ही इस्तेमाल करेंगे। आज मैं गुड़ के साथ लड्डू की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। और लड्डू बनाने के लिए मैंने ये 500 ग्राम गुड़ ले लिया है। गुड़ में हम करीब 3 से 4 टेबलस्पून पानी डाल देंगे और पानी डालने के बाद हम इसे कवर कर देंगे और कवर करके इसे 10 मिनट के लिए एक साइड से रख देते हैं। इसी बीच गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। लड्डू को और भी ज्यादा टेस्टी और बहुत ही हेल्दी बनाने के लिए मैंने लिए है ये तिल। तिल में जो प्रॉपर्टीज होती है वो सर्दियों के लिए खासकर बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। बहुत सारी बीमारियों में तिल काम में आता है। साथ ही मैंने ले लिए हैं 50 ग्राम बादाम, और बादाम के फायदे तो सभी को पता होते हैं। 50 ग्राम ही लिए हैं काजू, साथ ही ले लिया है 50 ग्राम गोंद। ग्रोसरी स्टोर पर गोंद बहुत आराम से मिल जाता है और गोंद में जो प्रॉपर्टीज होती है वो घुटनों के दर्द में या आपके कहीं भी पेन हो उसके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। विशेष इफेक्ट जो इसका होता है हमारी मसल्स रिपेयर करता है। साथ ही लिया है ये गोले का बुरादा। ड्राई फ्रूट्स जितने भी लिए हैं सभी की जो क्वांटिटी है वो 50 ग्राम है। एक्स्ट्रा फ्रेशनेस के लिए मैं यूज करने वाली हूँ इसमें हरी इलायची। लड्डू बनाने के लिए मैंने गैस ऑन करके उसके ऊपर एक काफी भारी पैदे की कढ़ाई रख दिया है। आप लड्डू बनाए या कोई भी और चीज बुने अगर भारी पैदे की कढ़ाई यूज करते हैं तो ज्यादा सही रहता है। और बस हम उसमें तिल डालकर उन्हें अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। तिल बहुत ही जल्दी सिक जाता है, इस बात का जरूर ध्यान रखें और फ्लेम को एकदम मीडियम रखें। अगर आपके घर में किसी को यूरिन प्रॉब्लम है तो आप उसे ये तिल के लड्डू खिलाइए, बहुत ही ज्यादा और बहुत ही झटपट फायदा होता है। तिल को मैंने 2 से 3 मिनट तक भुना है और आप देख सकते हैं कि तिल का जो कलर है बिल्कुल लाइट पिंक हो चुका है। इसे एक बर्तन में अलग निकाल लेते हैं। गैस ऑन करी और कढ़ाई अभी गर्म ही है, इसी में हमने डाल दिया ये गोले का बुरादा। इसे भी हल्का सा भून लेंगे, इससे इसका जो टेस्ट होता है काफी इनहेंस हो जाता है और लड्डू में खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। परंतु गोले में अपना ऑयल होता है जिसकी वजह से ये बहुत ही जल्दी सिक जाता है, इसलिए फ्लेम पर आप लोग जरूर निगाह रखें। गरम कढ़ाई में हमने गोले के बुरादे को करीब 10 सेकंड ही चलाया है और आप देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज होने लगा है। गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया और इसे भी निकाल लेते हैं। इस गरम कढ़ाई में हम ये इलायची भी डाल देंगे और आप देखिए ये जो हरी इलायची थी काफी अच्छे से फूल चुकी है, इन्हें भी निकाल लेते हैं। अब हम कढ़ाई में डालेंगे करीब 50 से 60 ग्राम देसी घी। आप कोई भी लड्डू बनाएं या बर्फी बनाएं देसी घी में ज्यादा अच्छी बनती है, और स्पेशली जब हम कोई हेल्थ की बात करते हैं तो देसी घी ही ज्यादा फायदा करता है। जैसे ही घी गर्म हुआ उसके अंदर मैंने डाल दिए ये बादाम। कुछ ही सेकंड हमने बादामों को भी गर्म घी में डाला है और उसके बाद आप सुनेंगे कि इसमें से हल्की हल्की तड़कने की आवाज आने लगती है, जिससे पता चलेगा कि बादाम बिल्कुल ही अच्छा सीख चुका है। और बस इसी समय हम इसे घी से बाहर निकाल लेंगे। घी अभी गर्म है और गैस सिम पर है, इसी समय हम इसमें डाल देंगे ये काजू। कुछ ही सेकंड काजू चले और काजू का कलर चेंज होने लगा है, बिल्कुल इसी समय हम इन्हें भी बाहर निकाल लेंगे। ड्राई फ्रूट्स में अपना ऑयल होता है जिसकी वजह से वे बहुत जल्दी सिक जाते हैं, और गरम घी या तेल में से आप उन्हें निकालेंगे उसके बाद भी वो हल्के हल्के अपने ही तेल में सिकते रहते हैं। और इसके बाद बारी है गोंद को सेकने की। गरम घी में हम थोड़ा थोड़ा गोंद डालते जाएंगे और अच्छे से सेक लेंगे।
अगर गौन में ज्यादा मॉइस्चर है आप उसे थोड़ी देर के लिए धूप दिखा लें या उसे 10 से 20 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर लें, जिससे उसका एक्स्ट्रा मॉइस्चर निकल जाएगा और गौन बहुत ही अच्छा सा सिक जाएगा। गौन भी सिक गया है, इसे भी निकाल लेते हैं। अब इसी घी में हम 50 से 60 ग्राम देसी घी और डाल देंगे। और ये लिया है मैंने 200 ग्राम के करीब गेहूं का आटा। आटा अगर थोड़ा सा मोटा हो तो और भी ज्यादा अच्छा है, लड्डू और भी ज्यादा टेस्टी बनेंगे। अब मीडियम फ्लेम पर हम इसे करीब 8 से 10 मिनट तक भुनेंगे। इसमें अच्छी खुशबू आने लगेगी और कलर एकदम लाइट ब्राउन हो जाएगा। आप चाहें तो इन लड्डुओं को बहुत ही कम घी के साथ भी बना सकते हैं। जो मैंने बाद में घी डाला है आप उसे अवॉइड कर दीजिए और थोड़े से घी में ही आटे को भून लीजिए। मीडियम टू लो फ्लेम पर मैंने आटे को करीब 10 मिनट तक भुना है और आप देख सकते हैं कि आटा बहुत ही अच्छा भुन चुका है। बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है और काफी अच्छा इसका कलर है। अगर आप बिगनर हैं और आपको आटा भूनना नहीं आता तो एक और पहचान होती है, जब आप इसे लगातार चला रहे हैं तो कुछ सेकंड के लिए छोड़ें और आप पलटेंगे तो आपको आटे का नीचे से कलर ब्राउन दिखाई देगा। बस ये परफेक्ट स्टेज है कि आप गैस का फ्लेम ऑफ कर दें, क्योंकि आप आटे के लड्डू बनाएं या बेसन के लड्डू या बर्फियां बनाएं, आटा कम भुना रह जाता है तो कच्चा लगता है और खाने में अच्छा नहीं लगता, और अगर ज्यादा सिक जाता है तो सेम प्रॉब्लम वहां भी आती है। इसलिए आटा परफेक्ट भुनना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आटा एकदम परफेक्ट भुन चुका है, गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है और अब मैं इसमें डालने वाली हूँ ये जिंजर पाउडर यानी कि सौंठ। अगर आपको ठंड की प्रॉब्लम है या आपकी पसलियों में दर्द रहता है या ठंड की वजह से आपकी बॉडी में कहीं भी पेन रहता है, जिंजर पाउडर यानी कि सौंठ उसमें बहुत ही अच्छा काम करता है। गले की खराश के लिए भी जिंजर पाउडर बहुत ही अच्छा होता है, यानी ठंड से लड़ने की इसमें बहुत अच्छी ताकत होती है। बस इसे भी हल्का सा भून लिया, पर गैस मैंने ऑन नहीं करी है, आटा गर्म है, उसमें ही हमारा जिंजर पाउडर अच्छे से भून जाएगा। और ये जिंजर पाउडर आपको ग्रोसरी स्टोर पर आराम से मिल जाएगा। और जितने हमारा आटा भुना इतने ही हमारा जो गुड़ था वो लगभग मेल्ट हो चुका है। इसके बाद मैंने लिया है चॉपर और एक एक करके हम सभी चीजों को दरदरा सा पीस लेंगे। बहुत ज्यादा पाउडर की फॉर्म में हमें इसे नहीं पीसना है। अगेन मैंने वही कढ़ाई फिर से गैस पर रख दिया है और उसमें हम ये गुड़ डाल देंगे। हल्का हल्का प्रेस कर देंगे जिससे गुड़ के जो मोटे टुकड़े हैं वो टूट जाएंगे। में जैसे ही अच्छा सा उबाल आता है हम इसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे। सबसे पहले डाल देते हैं गोले का बुरादा यानी कोकोनट पाउडर, तिल जिसे हल्का सा दरदरा कर लिया है। लगातार चलाते जाएंगे, फ्लेम को मीडियम रखेंगे। साथ ही डाल दिए ये काजू, बादाम और ये ली है गोंद, ये भी डाल दी। बस अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। साथ ही डाल देते हैं इलायची पाउडर। अब लास्ट में डाल देते हैं भुना हुआ आटा। और इसी समय हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा कच्चा देसी घी। आप हलवा बनाएं या लड्डू बनाएं, अगर थोड़ा सा देसी घी कच्चा ही डाल देते हैं तो उसकी जो फ्रेग्रेंस होती है ज्यादा अच्छी आती है और काफी स्ट्रॉन्ग भी आती है। जिस तरीके से हम आटे को रेस्ट होने के लिए रखते हैं और आटा फूलकर सेट हो जाता है, बिल्कुल इसी तरीके से हम इसे 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ देते हैं। ना वो आटा डाला है, आप देख सकते हैं कि अभी ये काफी लिक्विडी सा लग रहा है और 10 मिनट में ही ये अच्छे से सेट हो जाएगा। लेकिन रखने से पहले एक बार कवर जरूर कर दें। लड्डू के मिश्रण को ढककर रखे हुए करीब 10 मिनट हो चुके हैं और देखिए परफेक्ट हमारा मिश्रण तैयार हुआ है। लड्डू आप उसी समय बांध लें जब ये ठंडा तो हो जाए लेकिन पूरी तरह ठंडा ना हो। बस इसके बाद जितने बड़े भी आप लड्डू बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से आप लड्डू बना लीजिए।
मैंने एक बड़े नींबू के साइज के इसके लड्डू बना लिए हैं और ऐसे ही हम सारे लड्डू बना लेंगे। और आप चाहें तो इस मिश्रण से बर्फी भी जमा सकते हैं और वो भी खाने में बहुत टेस्टी होती है और इजीली बन भी जाती है। हमारे ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी परफेक्ट लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। बनाने में बहुत ही कम समय लगा है, लेकिन इन्हें आप करीब महीने भर भी स्टोर करके रखेंगे तो ये खराब नहीं होते, क्योंकि हमने जो चाशनी इस्तेमाल करी है अच्छे से उबाल ली है। आप इन लड्डू को मॉर्निंग में दूध के साथ या रात को सोते समय दूध के साथ एक खा लीजिए और सर्दियों में बढ़ने वाली बहुत सारी बीमारियों से आप दूर रहेंगे, स्पेशली घुटनों का दर्द, पैरों का दर्द, आंखों की भी कोई प्रॉब्लम हो तो इससे काफी हद तक आपको निजात मिलेगी। उम्मीद है रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही होगी। तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। सभी दर्दों से निजात दिलाने वाले हमारे लड्डू बनकर तैयार हैं। इन लड्डुओं से हड्डियां मजबूत होती हैं, दर्द से निजात मिलती है। यदि आपके सिर में दर्द है या आंखों में दर्द है उसमें भी आराम आता है। उम्मीद है इन लड्डू की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। थैंक यू।